हरियाणा चुनाव में मिली हार को लेकर कांग्रेस ने समीक्षा मीटिंग और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में ये मीटिंग हुई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बुलाया गया था। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग के बाद AICC अपरीक्षक अजय माकन ने कहा कि हमने हरियाणा चुनाव परिणामों पर समीक्षा बैठक की और एग्जिट पोल के बाद जिस तरह नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। इसके अलग अलग कारणों पर चर्चा की। हार के बहुत सारे कारण हैं, चुनाव आयोग से लेकर आपस में मतभेद से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, या यूं कहें जो हार रही, उस पर दिल्ली में समीक्षा यहां पर की गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में मौजूद रहे और समीक्षा इस बात की गई कि आखिरकार इस हार का बड़ी वजह क्या रही। और इस पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पर अब समीक्षा जो है वो की जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल की जो तस्वीर थी और जो एग्जैक्ट नतीजे आए उसमें जमीन आसमान का फर्क रहा। कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे, और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा भी देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि